दोस्तों अगर आप भी जसवीर तुमराह को एक तूफानी एवं महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट महामुकाबले में पहली पारी में तूफानी 6 विकेट झटक कर इंग्लैंड को चारों खाने चित करने के बाद रो पड़े हैं भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। अपने बड़े बयान में उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लेकर ऐसा कुछ कह दिया कि सुनने के बाद हर एक भारतीय उनको सलाम करने को मजबूर हो गया है। तो ऐसे में आखिरकार क्या कुछ अपने बड़े बयान में जसप्रीत बुमराह ने कहा है, उनके पूरे बयान का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी दोनों में सबसे खूंखार गेंदबाज आप किसको मानेंगे? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब बेहद ही रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है, जहां पर पहले टेस्ट महामुकाबले में भारत को भारतीय सरजमीं पर एक जीते हुए मुकाबले में हराने के बाद इंग्लैंड ने बड़ा झटका दिया था। मगर दूसरे टेस्ट में जब बारी आई तो भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में पहले बल्लेबाजी करना चुनी। इस महामुकाबले में 396 रन का विशाल स्कोर भारतीय बल्लेबाजों में लगा दिया, जहां पर भारतीय ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 209 रन की तूफानी द्विशतकीय पारी खेली और इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम पर हावी हो सकती थी। हालांकि उनकी बल्लेबाजी मजबूत नजर आ रही थी, मगर इंग्लैंड टीम की पहली पारी जिस तरीके से बल्लेबाजी करने के लिए उतरी हुआ शानदार रही। जैक क्राउली और बेन डकेट ओपनर उतरे थे, जहां पर शानदार जैक क्राउली ने आज 78 गेंदों में 76 रन की पारी खेल दी। बेन डकेट ने 17 गेंदों में 21 रन बनाए, जहां पर भारतीय टीम के सामने यह खतरनाक नजर आ रहे थे। मगर इसके बाद बेन डकेट को 11वें ओवर में कुलदीप यादव ने रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को पहला सफलता दिलाई। 59 पर इंग्लैंड का पहला झटका लगा। इसके बाद ओलिव पॉप जो कि पिछले महामुकाबले में शतक वीर रहे थे और भारतीय टीम को हराने के मुख्य दावेदार रहे थे, जैक क्राउली ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया, 76 रन बनाए थे और अक्षर पटेल ने उनको 23वें ओवर में सिरस अय्यर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जो रूट आते हैं जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकते थे, मगर फिर पारी के 26वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी लेकर आते हैं और शुभमन गिल के हाथों स्लिप पर जो रूट को खतरनाक 5 रन के स्कोर पर कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद ओली पॉप जो कि पिछले महामुकाबले के शतकवीर रहे थे उनको जसप्रीत बुमराह ने शानदार यॉर्कर डालकर बोल्ड आउट कर दिया। मिडिल स्टंप उड़ता हुआ नजर आया था, 142 किलोमीटर की रफ्तार की गेंद थी और 136 पर इंग्लैंड को चौथा झटका लगा। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद फिर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जॉनी बेयरस्टो को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट 25 रन पर अकड़ा देते हैं। बेन स्टोक्स को तो इतना खतरनाक बोल्ड किया था कि वह बल्ला छोड़ चुके थे और चारों खाने चित यॉर्कर पर बोल्ड होकर 47 के स्कोर पर पवेलियन चले गए थे। यही नहीं, इसके बाद फिर बुमराह ने टॉम हार्टले को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भी दिया और अंत में जेम्स एंडरसन को 6वें विकेट के रूप में LBW आउट कर दिया और पूरी इंग्लैंड टीम 253 पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने शानदार 143 रन से पहली पारी में लीड हासिल कर ली। इस महामुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में भारतीय टीम को इतनी शानदार स्थिति में पहुंचा दिया और 6 विकेट ले लिए। इस दौरान उनकी गेंदबाजी 15.5 ओवर में 5 मैडन रहे, 45 रन गए और 6 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव ने 3 और अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। इस शानदार पारी गेंदबाजी के बाद जसप्रीत बुमराह बेहद ज्यादा भावुक नजर आया और अपने बड़े बयान में इस पूरी शानदार गेंदबाजी का श्रेय कप्तान रोहित शर्मा को दिया। उन्होंने अपने बड़े बयान में कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने देश के लिए इतना महान काम कर पा रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी ऐसा कर पाया या जब जब मुझे अच्छी गेंदबाजी करने का मौका मिला और मैंने सही कर पाया हूँ तो उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मगर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कप्तान रोहित भैया का जिन्होंने मुझे हर समय पर सपोर्ट किया, मुझे अपनी अंदाज से गेंदबाजी करने के लिए आजादी दी और वही कारण है मैं कर पा रहा हूँ। सबसे ज्यादा खास बात होती है एक तेज गेंदबाज की कि वह तेज गेंदबाजी के अलावा समय समय पर स्लोअर मन कब यॉर्कर डालनी है कब मिक्स कर पा रहा है उसका जो वेरिएशन है वह ला पाए और इसके लिए मैंने कड़ी प्रैक्टिस की है। बहुत लंबे समय से मैं मुंबई इंडियंस की तरफ से IPL में खेल रहा हूँ, भारतीय टीम की तरफ से लगातार खेलने का मौका मिल रहा है, मैं अब कप्तान के तौर पर इस टीम में शामिल हूँ तो मुझे एक बड़ा काम करने की जरूरत थी। पहले टेस्ट में जिस तरीके से हम हारे थे उसके बाद पूरी टीम हताश और निराश नजर आ रही थी। हमारी पूरी तैयारियां थी कि इस टेस्ट मैच में हमको किसी भी तरीके जीत हासिल करके बड़े टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में अच्छी स्थिति में आना है, साथ में हमको बहुत कुछ देखना है जिससे हमारे सभी खिलाड़ियों को मनोबल मिले और यह हमारी गेंदबाजी का कमाल रहा कि हम ऐसा कर पाए। खासकर मैं कुलदीप की तारीफ करना चाहूंगा, इस मैच में जिस तरीके से उसने 3 विकेट लिए, शानदार गेंदबाजी की है, वह तारीफ के काबिल है। साथ में मैं धोनी भैया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनने मुझे भारतीय टीम में जगह दिलाई, उस समय मुझ पर भरोसा किया जब मैं एक घरेलू क्रिकेट खेलता था, कुछ भी खास नहीं था और ऐसे में मैं भारतीय टीम के लिए आज जो भी कर पा रहा हूँ उसके लिए वह जिम्मेदार है, वह असली तारीफ के हकदार है जिनके कारण आज भारतीय टीम इतनी मजबूत है और हम आने वाले समय में इंग्लैंड को हराएंगे और अच्छी तरीके से इस टेस्ट श्रृंखला को अपने नाम करेंगे। दोस्तों यह तो बुमराह का शानदार बयान है, मगर इसके बाद आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम 4-1 से इस श्रृंखला को जीत पाएगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए।